हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली कुछ बच्चों का ये डाउट है, ये क्वेश्चन है कि क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन के बारे में बोला। तो गाइस, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देती हूँ। एक्चुअल में जब हमारा संविधान सभा बन रही थी, तो उस समय पर जो बी आर अम्बेडकर जी हैं और गांधी जी हैं, दोनों की स्ट्रैटेजी, दोनों का तरीका, दोनों के विचार बिल्कुल अपोजिट थे। गांधी जी कहते हैं कि देश में जातिवाद रहना चाहिए, कास्टिज्म रहना चाहिए, क्योंकि कास्टिज्म हमारे वर्णा सिस्टम से ही दिया हुआ है, ठीक है। और कास्टिज्म से एक तरह से हमारे सोसाइटी की पहचान भी बनती है, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कास्टिज्म होना चाहिए। पर हाँ, जो हमारे देश में अनटचेबिलिटी का इशू था, इसको खत्म करने के लिए कास्टिज्म को इम्प्रूव करें, इसलिए रिजर्वेशन की बात बोली। अब रिजर्वेशन की बात बोली और उसके साथ साथ फिर क्वेश्चन ये आया कि दलितों के सम्मान की, ठीक है, दलितों के सम्मान की भी बात उठी। दलितों को तो 1932 में, मतलब जो कुचला हुआ वर्ग कहलाता था, उसको तो कहा गया कि भाई दलित जो हैं ये समाज का कुचला हुआ वर्ग ना कह के इन्हें हरिजन कहा जाएगा, ठीक है, द दलित विल बी कॉल्ड एज अ हरिजन। और इसी के साथ साथ उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर जी की। बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि दलितों के साथ इतना बुरा पाप और अन्याय समाज ने कर दिया है कि भाई दलित जो हैं शिक्षा नहीं ले सकते हैं, दलित मेन स्ट्रीम के साथ बैठ नहीं सकते हैं, टेम्पल एंट्री नहीं है, पब्लिक सर्विस प्लेसेस में नहीं, या पब्लिक प्लेसेस में वो नहीं जा सकते हैं, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दलित महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा शोषण होता था। तो बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि इंसान इतना नीचे गिर चुका है कि अब उसके ऊपर अपलिफ्ट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो इसीलिए एनिहिलेशन ऑफ कास्टिज्म करो, मतलब कास्ट जाति व्यवस्था ही खत्म करो। तो बी आर अम्बेडकर जी तो रिजर्वेशन के उसमें पक्ष में नहीं थे, ठीक है, वो तो ये कहते थे कि जातिवाद ही खत्म करो। परंतु फिर उसके बाद, अब गांधी जी तो बापू हैं, तो गांधी जी और सभी अन्य सदस्यों की भी बात रखी जाती है, तो फिर ये फाइनली हुआ कि 10 साल के लिए आरक्षण रखा जाएगा। तो 1961 तक कहा गया कि आरक्षण रखा जाएगा, मतलब 1951 से आरक्षण देना स्टार्ट होगा, क्योंकि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 1951 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, आर्टिकल 33 में, 0 में, आर्टिकल 330 में एससी एसटी के भी रिजर्वेशन की बात की हुई है, ठीक है। तो कुल मिला के 1951 से रिजर्वेशन स्टार्ट होगा और 10 साल तक रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो 1961 तक आरक्षण मिलेगा, और 61 के बाद, 1961 के बाद फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब जब 1960, अब अंबेडकर जी की बात अगर मैं कहूँ, तो उन्होंने तो बौद्धिज्म को अपना लिया था, और उनके साथ कई एससी एसटी जो ओल्ड लोग भी थे, उन्होंने भी बुद्धिज्म को अपना लिया था, ठीक है बच्चे। अब 1961 में फिर आरक्षण बढ़ता बढ़ता 67 का टाइम आ गया, फिर ये उठा कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली गई। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन तो जरूर बोली थी कि रिजर्वेशन खत्म ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का वोट गेम है, एक वोट बैंक है, वोट बैंक की तरह यूज होता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कह दिया कि आर्टिकल 50 के तहत रिजर्वेशन के लिए कोई भी कानून बनाना, अधिनियम बनाना है, वो सिर्फ और सिर्फ संसद का काम है, हम जुडिशरी हैं, ये हमारा काम नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास सारा डेटा है, सो गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट वॉट टू डू, यू अंडरस्टैंड। तो अल्टीमेटली जो आप लोगों का क्वेश्चन था, आई होप मैंने उसका जवाब दे दिया है। थैंक यू गाइस।